जनपद में मनरेगा को लेकर सरकारी आंकड़ों की फेहरिस्त तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मजदूरों की जुबानी बदहाल मनरेगा की कहानी को बयां कर रही है। एक दौर था जब मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन के कार्य की गारंटी मिलती थी। यही नहीं, लोगों को कार्य भी मुहैया होता था। लेकिन समय बीतने के साथ अम्बेडकर नगर में इसका परिदृश्य भी बदलने लगा। मनरेगा को लेकर सरकारी आंकड़ों की फेहरिस्त तो काफ़ी लंबी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अम्बेडकर नगर में जॉब कार्ड धारक काम के लिए भटक रहे हैं। दो साल हो गया हमको नरेगा में काम नहीं मिला। आपने काम की मांग की थी? हाँ। गांव में कार्य कौन करता है? काम वो दो चार आदमी जो उनके हैं वही कराते हैं। अब कार्ड दिलावे काम ना लागत, दो तीन साल हो गए हमरे लोग पैसा दिया परेशान है, रोजी रोटी कैसे चले। हमारा जब कार्ड बना है दो साल से काम नहीं मिल रहा, काम मांगते काम दे देते। हर जिले का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, तो शासन की तरफ से इस साल का लक्ष्य 23,97,800 कुछ था, जिसको इस वर्ष हम लोगों ने फरवरी तक का लक्ष्य 23,02,000 था उसको पूरा कर लिया है हम लोगों ने। और मार्च का भी लक्ष्य हमें उम्मीद है कि अभी कुछ ट्रांसफर्स हुए तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मार्च का लक्ष्य हम 5 फरवरी तक पूरा कर लेंगे, जो लेबर डेज होते हैं मानव दिवस। और हमारे 69,000 के करीब लोगों ने जॉब मांगा था, इसमें 60,000 लोगों ने जॉब पाया। अब इसे विभागीय उदासीनता कहा जाए या फिर शासन की लापरवाही कि जनपद में 2,32,000 जॉब कार्ड धारक हैं और इस सत्र में उनमें से अब तक तकरीबन 300 लोगों को ही 100 दिन का रोजगार मिला है। ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार हकीकत में मनरेगा के प्रति कितनी गंभीर है। अनुराग चौधरी, ईटीवी, अम्बेडकर नगर।